हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। जैसे कि मैंने बताया था, जो अगला वीडियो आएगा मैं काम करते करते बताऊंगा जो मेरे डेली लाइफ में होता है। आज मैं ये वॉल बना रहा हूँ क्योंकि बारिश के दिनों में होता क्या है कि ये सारा जो पेपर मैंने लगाया था वो सारा बाहर निकल गया। तो वॉल बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपके लिए मैं वीडियो ला सकूँ, कुछ ढंग से लगे, थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से लगे, यही बात है। और आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे SBI के लिंक के बारे में। कुछ इशू भी आ रहे हैं कमेंट्स में, मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उसमें जो क्रेडिट कार्ड का है वो काम नहीं करता। आपका भी सलूशन देंगे, क्यों नहीं देंगे। HDFC का लिंक बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो भी बैंक का अवेलेबल होगा मोरेटोरियम लिंक मैं वहां पे डाल दूंगा, आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। SBI ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे, तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग रही है SBI। ये डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जाता है पहले ये समझिए, क्योंकि बैंकों को शो करना रहता है कि आपके साथ जो भी हुआ इस पेंडेमिक के दौरान हुआ है। थोड़ा सा इसको साठ में बहुत परेशान कर रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा क्या। इसी तरह करते करते इसको आगे तक लेके जाएंगे। तो SBI वाले का यही प्रॉब्लम था कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। आपको एक सैलरी स्लिप देना होगा और दूसरा आपको क्या देना पड़ता है, हाँ, बैंक पासबुक। कि अगर आपका बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है तो ये बैंक वालों को कैसे पता चलेगा, आपके पासबुक देख के वो लोग बता पाएंगे कि चलिए आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आपके पासबुक से पता चल जाता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं। HDFC के साथ भी यही कुछ है कि आपको अपना वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करना है। अब सवाल 10 करोड़ का कि आपको मॉरेटोरियम मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है। देखिए, मिल सकता है। सबसे पहला कारण कि देश में कोरोना का तीसरा वेव भी आने वाला है, बहुत सारे लोग इससे भी इम्पैक्ट होंगे। और दूसरा कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि RBI भी आपको छूट देना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बैंक में NPA बढ़े। और सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI का ये पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे दिए जाए, लोन दिए जाए। देखिए, लोन देना क्यों जरूरी है, जैसे कि अभी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, मतलब लोन के रूप में जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इसको पहले समझिए आप, जब मार्केट में कोई भी मंदी आती है तो वो क्या करती है कि ज्यादा लोन बांटने लगती है कि मार्केट में पैसे आ जाए, जो व्यापार में लॉस हुआ है वो बिजनेस ढंग से चलने लगे, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस, RBI का भी पूरा फोकस यहाँ लोन देने पे, यहाँ लोन की रिकवरी पे नहीं है। लोन रिकवरी एक प्रोसीजर है जो सारे बैंक NBFC कंपनी अपनाते हैं। ये रिकवरी एजेंट बेसिकली आपको परेशान कर रहे हैं, बेसिकली आपको बैंक नहीं परेशान करता। यहाँ पे जो भी परेशानी का जो मेन कारण है वो रिकवरी एजेंट है। यहाँ पे बैंक को उतना मतलब नहीं है कि आप पैसे दो ना दो, बैंक को क्या है, उनको तो पैसे चाहिए क्योंकि उनको भी आगे देने पड़ते हैं। तो यहाँ बेसिकली ऐसा कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे कि मॉरेटोरियम नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, बहुत सिंपल सा चीज है, क्योंकि जब NPA बैंक में बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेगी, नीचे से सामान लाने चले जाते हैं टाइम टाइम में, थोड़ा सा काम भी करना जरूरी है। तो देखिए, बैंकों के पास यही ऑप्शन होता है NPA उनको, और रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करते, उनका जॉब है। उनको जब वहां से प्रेशर मिलता है तो वो आपको जाके प्रेशर देते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़ा डील नहीं है, रिकवरी एजेंट को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है तो वो थोड़ा सा जाके आपको परेशान करते हैं। और बेसिकली क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट भरिएगा, जो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कीजिएगा, पहले क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताना शायद भूल गया कि आपको कितने दिनों के लिए चाहिए, किस कारण से चाहिए, आपने कब तक लोन पे किया है, आपका लोन अकाउंट, ये सब कुछ सामने रखिएगा, उसके बाद ही जाके अप्लाई कीजिएगा। तब तक थोड़ा सा ये इंजॉय कीजिए, ये करते करते भूल जाता हूँ आपसे बात करते करते, और बीच बीच में अंधेरा हो जा रहा है। यही सब कारण है जी कि वीडियो टाइम पे नहीं आ पाता है। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको थोड़ा सा काम को खत्म कर ले, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।